ऑर्डर आप बताइए। तो इनकी रिएक्टिविटी का अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो जरा ऑर्डर देख लीजिए रिएक्टिविटी किस तरह से है। देखो यहां पर अगर हम बात करें जो रिएक्शन है, मैंने आपको बताई थी गैगनार्ड रिएजेंट की, वो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अगर कोई भी जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है उस वाले केस में, तो आपको CH3 सीरल बॉन्ड को Cl दिया हुआ है और आप ये देखना चाहते हैं कि रिएक्शन किस तरह से, मतलब कि इसमें रिएक्शन स्लो होगी फास्ट होगी, तो मैं आपको बता देता हूं। Cl शो करता है माइनस आई इफेक्ट के बारे में थोड़ा आपको पीछे बता दिया था। तो माइनस आई इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब आप कहेंगे सर इसमें लॉन्ग पेयर भी है और लॉन्ग पेयर के साथ यहां पर एक इफेक्ट और काम कर सकता है, मीसोमेरिक इफेक्ट। ये मीसोमेरिक इफेक्ट वो भी है रेजोनेंस वाले इफेक्ट, और रेजोनेंस इफेक्ट के लिए कंडीशन होती है कि नेक्स्ट कार्बन कैसी होनी चाहिए, प्लेनर, या नेक्स्ट एटम कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए जहां पर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब ये प्लेनर भी कौन कैसी है, sp2 हाइब्रिड। तो क्लोरीन क्या अपने इलेक्ट्रॉन सीओ को नहीं दे पा रहा, यहां पर एक चीज आएगी कि सीओ को क्या क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता, तो क्या कंडीशन हमारे सामने आएगी कि सीओ को अगर क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता तो उससे क्या फायदा होगा। अगर क्लोरीन सीओ को इलेक्ट्रॉन दे देता तो उससे नुकसान हमारे सामने, फायदा तो कम होता, नुकसान ज्यादा होता, गैगनार्ड रिएजेंट रिएक्शन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज तो वहां पर अटैक करती है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम। लेकिन इसे तो सीएल भी इलेक्ट्रॉन दे रहा और CH3 तो पहले दे रहा था क्योंकि ये पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रहा, तो यहां पर दिक्कत ये बन जाती है उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक नहीं कर पाता इतने सुटेबल तरीके से। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मैंने यहां पर माइनस आई इफेक्ट का ही नाम लिया है, पॉजिटिव एम की मैंने यहां पर बात नहीं की, तो वो मैं आपको बता देता हूं एक्चुअल में होता क्या है। क्लोरीन आप जानते हैं इसका एटम नंबर 17 होता है, 17 जब इसका एटम नंबर है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा 3s2 3p5। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 3s2 3p5। अब दिक्कत ये है कार्बन के पास, कार्बन का क्या होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, कार्बन का होता है 2s2 2p2। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, ये क्लोरीन का था, ये किसका है, कार्बन। तो जब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है और ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है लॉन पेयर, कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसकी आप देख रहे हैं उसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें प्रेजेंट है, या उसके पास जो वैकेंट है वो कौन से ऑर्बिटल, पी, कौन सी पी, 2p, जबकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किसमें प्रेजेंट है, 3p। तो एक बात ये बताइए दोनों की एनर्जी में, 3p और 2p की एनर्जी में क्या होता है, डिफरेंस। जब 3p और 2p की एनर्जी में डिफरेंस होता है तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली कार्बन को नहीं दे पाएगा। इसकी वजह से जो मीसोमेरिक इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से क्या रह जाता है, मीसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से वीक हो जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो कौन सा इफेक्ट शो करता, पॉजिटिव एम शो करता, लेकिन यहां पे पॉजिटिव एम के कंपेयर में नेगेटिव आई क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है क्लोरीन के लिए। क्लोरीन के लिए पॉजिटिव एम के कंपेयर में माइनस आई ज्यादा स्ट्रांग है। वैसे कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होता है, वैसे ज्यादा स्ट्रांग होता है मीसोमेरिक इफेक्ट, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया है। किस वजह से, क्योंकि क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, जबकि कार्बन के किसमें है, लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली नहीं दिए जा पाते। कार्बन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो लो एनर्जी वाली, तो इतने इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा ना कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, तो ये ज्यादा हो गया। और आपको पता ही चल रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा तो यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है ना कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन देने वाला ही ग्रुप है तो उससे क्या नुकसान होगा, तो इसकी अगर हम बात करेंगे यहां पर जब इलेक्ट्रॉन कैसा है, देने वाला ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो अब अगर हम बात करते हैं यहां पे CH3, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा गैगनार्ड रिएजेंट, अगर हम गैगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, लेकिन ये क्या होगा,
ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये कौन सा ग्रुप हो गया है, एसिड क्लोराइड ग्रुप हो गया है, और ये कौन सा ग्रुप हो गया है, कीटोन ग्रुप हो गया। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जो एसिड क्लोराइड ग्रुप है, जो एसिड क्लोराइड ग्रुप है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू किसके, एल्डिहाइड और कीटोन के। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, ईस्टर की, ईस्टर और भी कम रिएक्टिव है। ईस्टर में क्या हो गया, अब आप कह सकते हैं देखो इसमें ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो जब ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो क्या होगा उसकी वजह से, जब ऑक्सीजन है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने चाहिए, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन दे कैसे दी, इसने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस वजह से दे दिए वो समझिए। यहां पर एक और इफेक्ट काम कर रहा है, वो इफेक्ट कौन सा है, वो इफेक्ट है पॉजिटिव एम इफेक्ट। तो पॉजिटिव जो एम इफेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा किसके, नेगेटिव आई, पॉजिटिव एम इफेक्ट होगा वो नेगेटिव आई से क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों ज्यादा स्ट्रांग होगा वो देखो। अब आप कहेंगे कि सर इसमें बताइए फिर पॉजिटिव एम कैसे नेगेटिव आई से ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप देखिए ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कंफर्मेशन क्या होता है, 2s2 और 2p4। इलेक्ट्रॉन भी किसमें प्रेजेंट, 2p में ही प्रेजेंट है। और कार्बन को जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन, कार्बन का क्या होता है, कार्बन का होता है 2s2 2p2, यानी वैकेंट ऑर्बिटल भी 2p है और इलेक्ट्रॉन देने वाली ऑर्बिटल भी कौन सी है, 2p है। तो इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली दे दिए जाएंगे और पॉजिटिव एम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा किससे, माइनस आई से। फिर अगले वाले की अगर हम बात करते हैं ग्रुप कौन सा, अमाइड ग्रुप, अमाइड ग्रुप और भी ज्यादा क्या होगा, जो अमाइड ग्रुप होता है वो और भी कम क्या होगा, रिएक्टिव होगा। आप कहेंगे सर इसमें क्या होगा, देखो नाइट्रोजन में भी जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो भी 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, कार्बन की जो वैकेंट ऑर्बिटल वो भी कौन सी होती है, 2p ऑर्बिटल होती है, तो इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली दे जा रहे। फिर ये तो ऑक्सीजन भी कर रहा था, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में क्या डिफरेंस हो गया, तो मैं एक चीज बता देता हूं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे पाएगा कंपेयर टू किसकी, ऑक्सीजन की, क्योंकि जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो नाइट्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इतनी जल्दी कौन दे देगा, नाइट्रोजन। अब बच गया कौन, CH3X, यानी कि कोई भी एल्काइल हैलाइड। तो यहां पर बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। यहां पर जो बॉन्ड टूटता है वो कौन सा बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कम पोलराइज होता है कंपेयर टू किसके, पाई बॉन्ड के। तो सबसे लेस रिएक्टिव, सभी में कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। सभी में जो बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा पहले वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा, तो वहां पर जो बॉन्ड टूटेगा वो टूटेगा पाई बॉन्ड, लेकिन यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड लेस पोलराइज होता है, यानी इसमें पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इतनी जल्दी नहीं आते जितनी जल्दी इन पर आ जाते हैं, जितना जल्दी पाई बॉन्ड पे आ जाता है। तो ये बॉन्ड इतनी जल्दी नहीं टूटेगा ड्यू टू द लेस पोलराइजेशन, ऐसे लिख लेना आप लेस पोलराइजेशन वाली बात को भी, ठीक है। और इसका पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो ये पूरा रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया, सबसे ज्यादा एसिड क्लोराइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर ईस्टर, फिर अमाइड, और फिर कौन सा होगा, ये एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये आपका एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन हो चुकी है। अभी एक और टॉपिक रह गया छोटा सा, जिसमें हम क्या करेंगे, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ेंगे थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है।